सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परमपिता परमात्मा का स्मरण ओम नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी करिष्यामि सिद्धिर् भवतु मे सदा, सिद्धिर् भवतु मे सदा। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवानी की। आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवानी की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवानी की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवानी की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्षण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षण की। परम पूज्य आरिकामा 105 सियोग नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, वर्तमान में ज्ञान की होड़ लगी हुई है, जंग छिड़ी है ज्ञान में। एक समय हुआ करता था पहले, जब युद्ध शस्त्रों से लड़ा जाता था, लेकिन आज तो शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। संसारी प्राणी ने अपना हथियार बदल लिया है, शास्त्रों का युद्ध प्रारंभ कर दिया है। जिस किसी ने भी थोड़ा बहुत यहां वहां से सुन के हवा में आते आते एक आध दो शास्त्रों को, दो चार दस बीस शास्त्रों को पढ़ करके यत्र तत्र से एकत्रित किया गया ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति स्वयं को बड़ा ही ज्ञानी समझने लगता है, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। अधिकांश व्यक्ति कहते हैं, या तो बहुत ज्ञान प्राप्त करके बड़े ज्ञानी बन जाओ, या फिर बिल्कुल अज्ञानी रहो। बीच का नहीं बनना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया तो क्या किया, या तो बहुत सारा करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। क्यों भैया, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने में क्या बुराई है? संसारी प्राणी कहता, क्योंकि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हाँ तो दिक्कत क्या है, सही है ना, घर का और घाट का ना रहे तो। घर पर रहेगा तो भी बंधन में रहेगा, घाट पर जाएगा तो भी बंधन में रहेगा, कम से कम बीच में स्वतंत्र तो है। जो जिस व्यक्ति को, जिस श्रावक को लगता हम बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत जानकार, बहुत बड़े विद्वान,
जिसे ऐसी भ्रांति है, वास्तविकता में वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्योंकि त्रिलोकी नाथ के केवल ज्ञान के सामने संसारी प्राणी का ज्ञान तो जुगनू के समान है। ज्ञान, बात यदि ज्ञान की ही है तो चलो हम पूछ लेते हैं आपसे एक बात, बताइए बसंत पंचमी एक पर्व आता है, आप लोग मनाते हैं क्या बसंत पंचमी? नहीं मनाते। माता जी कैसी बात कर रहे हैं आप, 13 वर्ष आपको मोक्ष मार्ग पर हो गए और आप ये पूछ रहे हैं हमसे बसंत पंचमी? हम तो जैन हैं, ज्ञानी श्रावक हैं, ज्ञानी हम बसंत पंचमी बोलिए ना नहीं मनाते, श्रुत पंचमी मनाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी मनाना चाहिए या नहीं? और ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया बसंत पंचमी को पर्व के रूप में मनाती है? इस पूरी सभा में कोई भी एक श्रावक या एक श्राविका ऐसी हो जो बता सके कि बसंत पंचमी मनाना चाहिए कि नहीं? कोई भी एक श्रावकों में? श्राविकाओं में, आपस में नहीं, हमें बताइए। चलिएगा आज बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म अनादि निधन है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सबसे पुराना धर्म, सबसे सही धर्म यदि कोई है तो जैन धर्म है। जैन धर्म तो शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध। जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में, लोहा यद्यपि कैसी धातु है, कठोर धातु है, सोना सॉफ्ट धातु है, शेरनी का दूध लोहे के पात्र में रखो तो छेद करके निकल जाता है, सोने के पात्र में रखो तो टिका रहता है। क्यों? क्योंकि सोने में लोहे से ज़्यादा गुण होते हैं, सॉफ्ट या कठोर मैटर नहीं करता। वैसे ही भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी भी शेरनी के दूध की तरह है, उत्तम पात्रों के हृदय में ही ठहरती है, मिथ्या दृष्टियों के अभव्य के तो मुख से होकर के बाहर निकल जाती है। तो देख लीजिए, जिसके भी हृदय में जिनवाणी प्रवेश कर जाए, वो जिनवाणी आपके जीवन में परिवर्तन करा दे, तो निश्चित रूप से आप भव्य और सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, यहाँ से निकाल रहे हो तो अभी सम्यक दर्शन से आप दूर हैं। सभी लोग जानते हैं अपना जैन धर्म सबसे प्राचीन है, अनादि निधन है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। 363 मिथ्या मत इसी जैन धर्म में से निकले हैं, ठीक है ना? तो मिल गया आपको आपका आंसर, आंसर मिल गया। हाँ, संसार क्या कहता है? संसार कहता है कि बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती की पूजन करनी चाहिए, क्योंकि संसार का मानना है कि उस दिन सरस्वती धरती पर अवतरित हुई थी, प्रकट हुई थी। हाँ, सारे धर्म जैन धर्म से निकले हैं, तो उन्होंने बस अपना तरीका बदल लिया, बाकी सही है। कैसे सही है? अपनी जो प्रथम जिनवाणी है षटखंडागम, जिसकी पूजन आप श्रुत पंचमी वाले दिन विशेष रूप से करते हैं, उस जिनवाणी का विद्याध्ययन धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत और भूतवली मुनि महाराज को
वो वसंत पंचमी का ही दिन था जिस दिन धर्सेन आचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली को सठखंडागम अपनी मूल जिनवाणी का अध्ययन करवाना प्रारंभ किया और ये अध्ययन आषाढ़ उसके बाद इसका लेखन कार्य प्रारंभ किया गया और लेखन कार्य पूर्ण हुआ था श्रुत पंचमी पर्व बना उस दिन। बात समझ में आई? तो बसंत पंचमी भी हमारा ही पर्व है। दुनिया सही तो कहती है सरस्वती ने अवतार लिया था, बिल्कुल सही। यदि वो अध्ययन वो ज्ञान प्रारंभ ना हुआ होता, यदि उसे जिनवाणी के रूप में लिपिबद्ध नहीं किया गया होता, तो आज हमें सही और गलत का बोध नहीं होता। बात समझ में आ गई क्या? बोलिए ना। तो बसंत पंचमी वाले दिन क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बसंत पंचमी वाले दिन जिन भी श्रावक श्राविकाओं को बच्चों को लगता है बहुत प्रयास और अबलता बहुत ज़्यादा है, ज्ञानावरणी कर्म की अधिकता बहुत ज़्यादा है, या फिर अंतराय कर्म ज़्यादा ही तीव्रता से परेशान कर रहा है, उन श्रावक श्राविका और बच्चों को बसंत पंचमी वाले दिन से सबसे पहले मंदिर में जाकर के जिनके अंदर पात्रता है उन्हें भगवान का अभिषेक करना चाहिए, जिनके अंदर अभिषेक करने की पात्रता नहीं है उन्हें भगवान का अभिषेक देखना चाहिए और उसके बाद पूजन करना चाहिए। किसकी पूजन करना चाहिए? किसकी करनी चाहिए? हाँ, जिनवाणी की पूजन। जिनवाणी की पूजन का तात्पर्य ये भी कोई पूछने की बात है? पुस्तक होती ना किताब, उसे सामने रख लेना, प्रसाद और अगरबत्ती लेके पहुंच जाना, क्योंकि आपकी नजरों में वही पूजन है। ये पूजन नहीं करनी है। अष्ट द्रव्य लेकर के जिन सरस्वती पूजन अर्थात भगवान जिनेंद्र देव की वाणी जो जिनवाणी है उसकी पूजन, बस श्रुत स्कंध की पूजन, पूरे जिनवाणी के 12 अंगों की पूजन होती है वो। ये दो निमित्त ऐसे हैं जिनके माध्यम से संसारी गृहस्थ प्राणी जो ज़्यादा त्याग तपस्या साधना व्रत उपवास करके कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता, वो अभिषेक और पूजन के माध्यम से अपने अशुभ कर्म को शुभ में परिवर्तित कर सकता है। श्रुत पंचमी की कहानी सबने सुनी है क्या? चलिए आज थोड़ा सा सुनते हैं उस कहानी को पूरी कैसे है। बात है लगभग आज से 2000 वर्ष पहले की, जब महिमा नगरी में अरहद बलि आचार्य के द्वारा यति सम्मेलन करवाया जा रहा था। यति सम्मेलन का तात्पर्य है पूरे भारतवर्ष में जितने भी दिगंबर साधु हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे साधु उस समय के जो सबसे दीर्घ दीक्षित आचार्य होते थे उनके पास एकत्रित होकर के अपने सभी दोषों की आलोचना करते थे, प्रायश्चित लेते थे और सामूहिक प्रतिक्रमण करते थे। अरहत बलि आचार्य के सानिध्य में वो यति सम्मेलन करवाया जा रहा था और उसी यति सम्मेलन में अरहत बलि आचार्य ने देखा कि पहले जब भी साधु मिलते थे तो सारे साधु इस प्रकार से मिलते थे जैसे जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य हैं उन्हीं के शिष्य हों। लेकिन उस वर्ष जब पूरे भारतवर्ष के साधु महिमा नगरी में एकत्रित हुए तो उनमें मतभेद दिखाई दिया। ये नंदी संघ के हैं, ये पुलाक संघ के हैं, सब में आपस में थोड़ा बहुत
मतभेद दिखाई दिया, उस समय अरहत बलि आचार्य समझ गए थे कि अब धीरे 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 करके साधु संगों में भी विच्छेद होना प्रारंभ हो जाएगा। उस समय धरसेन गिरी गुफा में ध्यान कर रहे थे और धरसेन आचार्य को ही जिनवाणी के एक अंग के अंश का ज्ञान बाकी बचा था। 2000 साल पहले तक कोई भी जिनवाणी लिखित रूप में नहीं थी। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम इतना अच्छा था कि ओरल चलता था सब कुछ। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया और शिष्य ने शिष्य को ज्ञान दिया और एज इट इज जैसा दिया है वैसा की वैसा ही याद रहता था। और आज तो स्थिति ये है कि यहाँ से निकलते निकलते आपके पास पहुँचते पहुँचते भी राई का ये कहावत कैसे प्रारंभ हुई, पहाड़ राई का पहाड़। लेकिन जानते हैं क्या ये कहावत कहाँ से प्रारंभ हुई? तो पहले बता देते हैं, चार भाई थे। एक भाई को थोड़ा सा ज्ञान था, थोड़ा सा, ज्यादा ज्ञान नहीं, थोड़ा सा था। बाकी तीन भाइयों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो जब भी बड़ा भाई कुछ भी कहता, तीनों भाइयों को हमेशा क्या लगता, अरे भैया ये तो बड़ा गजब का व्यक्ति है, ये भी जानता और ये भी जानता है। अब बड़े भाई को सबसे ज्यादा ज्ञान पर्वत और पहाड़ों के बारे में ही था, तो वो हर बात को, उसके हर एक प्रसंग में, हर एक सेंटेंस में पहाड़ आता। छोटे भाइयों ने एक दिन सुना, दो दिन, चार दिन, दस दिन, बीस दिन, अब रोज रोज आ रहा है देखो तो। अब छोटे भाइयों ने कहा, पहाड़ पहाड़ होता कैसा, दिखा तो दो। अब बड़ा भाई विचार कर रहा, यहाँ आसपास कहीं पहाड़ तो है नहीं, और मैंने यदि इन्हें पहाड़ दिखा दिया तो ये स्वयं भी पहाड़ के जानकार ज्ञानी बन जाएंगे, फिर ये मेरे पास आएंगे नहीं, तो इन्हें संसार वाला, वास्तविकता वाला मत दिखाओ, कपोल कल्पित कल्पनाओं से बना करके दिखाओ। उसने एक राई का दाना उठाया, हाथ में रखा और कहा, देखो ये रहा पहाड़। समझ गए क्या कहा, ये रहा पहाड़। और वो बेचारे सीधे साधे भोले भाले से, आप जैसे भव्य प्राणी थे, ना कभी पहाड़ देखा ना राई देखी, तो उन्हें कहा, हाँ इतना बड़ा पहाड़। तब से वो कहावत बन गई कि जब भी व्यक्ति किसी को भ्रम में रखता है, जब भी किसी को वास्तविकता से अवगत नहीं होने देता, तब वो क्या करता है, राई का पहाड़ बना देता है। तो 2000 वर्ष पहले ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बहुत अच्छा था, अहंकार की, मैं की भावना बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, तो ज्ञान में कोई भी विकृति नहीं आई। जैसा गुरु ने शिष्य को पढ़ाया वैसा शिष्य ने अपने शिष्य को और अपने शिष्य को। लेकिन धीरे धीरे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कम होने लगा, ज्ञान विस्मृत होने लगा, याददाश्त कमजोर होने लगी, तो विचार किया गया यदि जिनवाणी को लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब जिनवाणी पूर्ण तरह विलुप्त हो जाएगी। वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए संसार में कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या किया जाए? धरसेन आचार्य उस समय एक अंग के अंश के ज्ञाता थे, उन्हें लगा कि मेरी उम्र अब बहुत कम बची है, यदि मैं लिपिबद्ध करना भी चाहूँ तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि जितना मुझे पूर्ण ज्ञान है उतना मैं लिपिबद्ध कर सकूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे योग्य शिष्य चाहिए जो बिना अपनी बुद्धि उसमें लगाए
ज्यों का त्यों जैसी भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी है वैसी ही लिपिबद्ध कर सकें। उन्होंने एक पत्र महिमा नगरी में अरहत बलि आचार्य के पास पहुंचवाया कि मुझे दो योग्य शिष्य चाहिए जिन वाणी के लेखन के लिए। तो उन्होंने दो मुनि महाराज को भेज दिया। अरहत बलि आचार्य ने दो मुनिराज को धरसेन आचार्य के पास गिरनार जी भेजा और वहाँ पर धरसेन आचार्य जब थोड़े सा विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि दो तरुण बैल, बिल्कुल सफ़ेद रंग के बैल आकर के उनकी प्रदक्षिणा दे करके उनके पास नमस्कार करके बैठ गए हैं। ज्ञानी गुरु थे, समझ गए कि बहुत शीघ्र मुझे योग्य शिष्य मिलने वाले हैं। फिर भी गुरु तो गुरु होता है, वो बिना परीक्षा लिए शिष्य को स्वीकार नहीं करता। गुरु परीक्षा क्यों लेता है? गुरु शिष्य की योग्यता की, उसकी क्षमता की परीक्षा लेता है कि कहीं योग्यता से कम दिया तो शिष्य भटक सकता है। गुरु से ज्ञानी तो हम हैं, और क्षमता से ज्यादा दे दिया तो शिष्य बिखर सकता है। दोनों पहुंचे मुनि महाराज धरसेन आचार्य के पास। धरसेन आचार्य ने परीक्षा लेने के लिए दोनों मुनि महाराज को एक एक मंत्र दिया और कहा कि आपको सामने गुफा में जाकर के ये मंत्र सिद्ध करना है। 3 दिन में यदि मंत्र सिद्ध कर लोगे तो आपकी योग्यता प्रमाणित हो जाएगी और उसके बाद अपन आगे जिस कार्य के लिए आए हैं वो करेंगे। दोनों मुनि महाराज पहुंचे। उनकी विशुद्धि इतनी ज़्यादा थी कि 3 दिन की जगह एक ही दिन में विद्या सिद्ध हो गई। देखिए, यद्यपि दिगंबर साधु, सच्चा साधु जो होगा वो कभी भी कोई भी सिद्धि में नहीं पड़ता। जो साधु कहे हमें सिद्धि हो गई, सिद्धि आओ हम तुम्हें सिद्धि दे दें, सिद्धि करना सिखा दें, बता दें, तो समझ जाना मामला गड़बड़ है। गुरु आज्ञा से शिष्य सिद्धि कर भी ले लेकिन सिद्धि को स्वीकार नहीं करता। सच्चा साधु कभी भी रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता। तो कोई श्रावक की मानसिकता है, श्रावक कह सकता कि साधु को सिद्धि है, ये श्रावक का दृष्टिकोण है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साधु स्वयं कहे कि हमें, तो समझ जाना आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो धरसेन आचार्य ने जो दो मुनि महाराज को मंत्र दिए, एक ही दिन में मंत्र सिद्ध हो गए। एक मुनि महाराज के समक्ष जो देवी प्रकट हुई थी उनके एक आंख नहीं थी और दूसरे मुनि महाराज के पास जो देवी प्रकट हुई थी उनके दांत बाहर थे। अब मुनि महाराज विचार कर रहे हैं कि देव तो सर्वांग सुंदर होते, विकृत नहीं होते, एक एक आंख वाली और दूसरे के दांत बाहर, हो ना हो कोई तो गड़बड़ी है। उन्होंने अपना मंत्र देखा, उन मुनि महाराज की बुद्धि की प्रकृष्टता देखिए। मंत्र को देखते ही उन्हें पता चल गया कि जिन मुनि महाराज के समक्ष एक आंख की देवी प्रकट हुई थी उनके मंत्र में एक अक्षर कम था, उन्होंने उसे सही कर लिया। जिन मुनि महाराज के समक्ष वो दांत बाहर वाली देवी प्रकट हुई थी उनके में एक अक्षर ज्यादा था तो उन्होंने उसे कम कर दिया, पुनः साधना की और दूसरे ही दिन बिल्कुल सही देवियां प्रकट हुई। देवियों ने पूछा हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि आपने आह्वान किया है, सिद्धि की है, तो कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा। मुनि महाराज ने कहा कोई प्रयोजन नहीं, हमारे गुरु की आज्ञा थी तो हमने कर लिया, अब आप अपने स्थान के लिए जाइए।
देवियाँ वापस चली गईं। दोनों मुनि महाराज पहुँचे धर्मसेन आचार्य के पास, पहुँच करके बताया, गुरु महाराज आपने जो मंत्र दिया था हमने उसी के अनुसार किया, और जब विकृत रूप देखा, मंत्र को देखा, तो समझ में आया कि कहीं कहीं कोई कोई गलती है, तो परिवर्तन करके सुधार करके इस प्रकार से हमने किया है। अब ध्यान दीजिएगा, वो दोनों मुनि महाराज जो इतने योग्य थे कि मंत्र को देखते ही समझ गए कि इस मंत्र में गलती है, और आप लोग गुरु से पहले कुछ लेकर के आते हो, उस उपाय को करने से पहले उसका पूरा कर लेते हो, पता नहीं क्या क्या कर लेते हो, उसको तो ऐसा दिया था और मुझे ऐसा दे दिया, चार लोगों को एक सा उपाय बताया था लेकिन उसका तो काम हो गया मेरा, तो बड़े विकल्प आते हैं। देखिए, सही और श्रेष्ठ शिष्य वही होता है गुरु ने जैसा और जो कहा है। हम बात भक्त की नहीं कर रहे, किसकी? शिष्य की। और शिष्य की परिभाषा जानते हैं क्या आप लोग? शिष्य कौन होता है? बाद में प्रसंग जब आएगा तब बताएंगे, अभी समय बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्होंने पूरी बात गुरु को बताई, आप तो पहले परीक्षा करते हो, पूरे जो भी कर देते हो, उसके बाद फिर कहते हो काम नहीं चल रहा है, है ना, कैसे काम चलेगा। धर्मसेन आचार्य समझ गए और दोनों को बसंत पंचमी वाले दिन से विद्या अध्ययन करवाना प्रारंभ कर दिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, उन दोनों मुनि महाराज के नाम क्या थे जो महिमा नगरी से आए थे? सब एक साथ बता दो। बहुत बढ़िया, फिर बताइए, जब देवों ने उनकी दांत की पंक्ति को बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि एक मुनि महाराज के दांत आगे पीछे आड़े टेढ़े से थे, फिर उनका नाम क्या पड़ा? तो पहले क्या था, तो वही तो हम पूछ रहे, बताइए जरा ज्ञानियों, थोड़ा थोड़ा सा बता दो, क्या नाम था उनका? पहले नाम था नरवाहन और सुबुद्धि। क्या नाम था? नरवाहन और सुबुद्धि। नरवाहन राजा थे, सुबुद्धि मंत्री थे। दोनों को वैराग्य हुआ, दोनों ने दीक्षा ली। जब वो मंत्र सिद्ध करके आए वापस, गुरु के पास पहुँचे, विद्या अध्ययन किया, तो एक जो बड़े मुनि महाराज थे नरवाहन, उनके दांत थोड़े से आड़े टेढ़े थे, तो देवों ने उनके दांतों की पंक्ति को बिल्कुल एक सा कर दिया, तो उनका नाम हुआ पुष्प दंत। और दूसरे जो मुनि महाराज थे, उन्होंने ही सबसे ज्यादा जिनवाणी को लिखा है, क्योंकि पुष्पदंत आचार्य की उम्र कम थी, तो वो ज्यादा लेखन नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा ही लिख पाए थे, ज्यादा भाग को दूसरे आचार्य ने लिखा, तो भूत जाति के दिव्यंतर देवों ने आकर के उनकी अर्चना और पूजन की, तो उनका नाम पड़ा भूत बली। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, यदि कोई आपसे प्रश्न ये करे कि अपनी प्रथम जिनवाणी को किसने लिखा, तो क्या नाम बताना है आपको? पुष्पदंत और भूतबलि। क्यों? क्योंकि जिनवाणी लिखने से पहले दोनों के नाम परिवर्तित हो चुके थे। ठीक है ना, तो यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जब महिमा नगरी से आए थे, धर्मसेन आचार्य के पास पहुंचे थे, तब तक उनका नाम था नरवाहन और सुबुद्धि, और जिनवाणी का लेखन प्रारंभ करने से पहले उनका नाम हो गया पुष्पदंत और भूतबलि। इस प्रकार उन्होंने बसंत पंचमी से लेकर के आषाढ़ शुक्ला ग्यारस तक ओरल जिनवाणी को सुना, उसके बाद लेखन कार्य प्रारंभ किया। धर्मसेन आचार्य ने दोनों ही मुनि महाराज का विद्या अध्ययन के बाद विहार करवा दिया, क्योंकि धर्मसेन आचार्य की उम्र थोड़ी सी बची थी और वो जानते थे यदि शिष्य गुरु के निकट रहता है, शिष्य कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन जब गुरु का
वियोग कहें या समाधि कहें, जब वो होता है तो कहीं ना कहीं विकल्प तो क्षण भर के लिए हो, जैसा भी हो, मन में आता ही है। और धर्मसेन आचार्य ये नहीं चाहते थे कि विकल्प की वजह से श्रुत लेखन के कार्य में विघ्न उत्पन्न हो, इसलिए दोनों मुनि महाराज का विहार करवा दिया। अलग अलग स्थान पर दोनों के चातुर्माश हुए और पुष्पदंत आचार्य बड़े थे तो सठखंडागम अपनी पहली जिनवाणी है, उसका नाम सठखंडागम इसलिए पड़ा आगम के छह खंड। पूरी जिनवाणी छह खंडों में लिखी गई। जीवठाण, खुद्दा बंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध, ये छह खंडों के नाम है। इसका जो पहला खंड है वो पुष्पदंत आचार्य ने लिखा और उसी पहले खंड के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में डमोकार मंत्र को लिखा गया। उससे पहले लिपिबद्ध रूप में डमोकार मंत्र नहीं था, लेकिन संसारी प्राणी ने फिर अपना ज्ञान लगाया। उससे पूछा, संसारी प्राणी से पूछा एक बार कि डमोकार मंत्र को किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत और भूतबलि। किसने लिखा? नहीं, लिपिबद्ध तरीके से पूछ रहे, बनाया किसने? वो तो अनादि निधन है। इस पंचम काल में सबसे पहले अणमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किसने किया? तो वो दोनों के नाम लेते हैं। अब आगे से ध्यान रखना, किसने किया? आचार्य पुष्पदंत जी ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से छह खंडों में उन्होंने अपने आगम को लिपिबद्ध किया है। सठखंडागम और कसाय पाहुड़, ये दो ग्रंथ ही ऐसे हैं जो डायरेक्ट बिल्कुल प्योर भगवान महावीर की वाणी है। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई सरलता नहीं। इसीलिए श्रावकों को तो मुख्य जो अपने शास्त्र हैं, मूल जिनवाणी के स्पर्श का भी निषेध है। श्रावक सिर्फ शुद्ध वस्त्र पहन करके उनका रख रखाव तो कर सकता है, लेकिन पढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत जटिल और क्लिष्ट विषय उसमें लिखा है। और जब किसी संसारी प्राणी को कोई बात समझ में नहीं आती तो वो क्या करता है? अश्रद्धा के भाव, पता नहीं क्या लिखा है। शास्त्र सभा सुनने जाते हैं, साधु के प्रवचन सुनने श्रावक जाता है, बात समझ में नहीं आए तो क्या करता है? ऊंघो या सूंघो बन जाता है। क्या बन जाता? तीन प्रकार के श्रोता, ऊंघो, सूंघो और चुनो। चुनो चुनो चुनना। ऊंघो, शास्त्र सभा में पहुंचे, दो पांच मिनट तो ने देखा कार्यक्रम कैसा है, नहीं समझ में आया तो ऊंघते हैं। तो जो ऊंघो वाले श्रावक होते हैं, अगर उन्हें बिठा करके चुगली करने, गॉसिप करने बिठा दो, 12 कब बज जाएंगे पता नहीं चलता। और आधा घंटा जिनवाणी में कितनी बार नींद ले लेते उन्हें खुद को पता नहीं चलता। तो जो ऊंघो वाले श्रावक होते हैं, जिनवाणी के प्रति अश्रद्धा के भाव और अभिनय कहीं ना कहीं हो जाती है, वो आगे चल करके बनते हैं उल्लू। सो रहे थे शास्त्र सभा में, अब जागते रहो रात भर। दूसरे सूंघो, जिनवाणी समझ में नहीं आ रही, प्रवचन समझ में नहीं आ रहे, तो वो क्या करते? यहां वहां सूंघो, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन कितनी देर पहले आया, किसकी बहू आई और किसका बेटा नहीं आया, आज आप तो पहली बार ही आए और आप तो दो चार दिन से आ रहे। पूरा ध्यान इन चीजों में रहता है। सूंघो प्रवृत्ति वाले जो श्रावक होते हैं, वो ऐसी त्रियंच योनि में जाते हैं जो नाली और गंदगी को सूंघता रहता। कौन होता वो? ये तो राइट आंसर दे दिया एक ही बार में, तो संस्कार के वश आकर के बता रहे हो कि जाने की तैयारी है। नहीं, क्यों जाना है?
मनुष्य पर्याय जैन कुल मिली जिनवाणी सुन रहे बिल्कुल नहीं, पूर्ण विनय के साथ श्रद्धा से सुनेंगे। तो सूंगो वाले कहां जाते हैं? पीआईजी वाली योनि में। तीसरे चुनो, श्रद्धा से सुनते हैं, जितनी समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो श्रद्धा करते हैं कि भगवान जिनेन्द्र देव को तो नहीं सुन पा रहे हैं, कम से कम उनकी वाणी ही कानों से होकर के हृदय में जा रही है। और पूरा विषय भले ही समझ में ना आए, याद ना रहे, एक दो पॉइंट भी आ गए चुन लिए, तो वो भी संसार से चुन लिए जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। तो वैसे तीसरे वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो आपने विषय सुना है, बस इतना समझ लीजिएगा कि बसंत पंचमी भी हमारे जैनों का ही पर्व है, लेकिन ना जाने क्यों हम इतना उलझ जाते हैं कि हम हर चीज़ को या तो मिथ्या बना देते हैं या इतना मुश्किल बना देते हैं कि हमारे बच्चे, आज का युवा वर्ग धर्म से दूर होता जा रहा है। तो बसंत पंचमी पर्व कैसे है? क्योंकि उस दिन पुष्प दंत और भूत बलि का विद्या अध्ययन प्रारंभ हुआ था। श्रुत पंचमी पर्व क्यों है? क्योंकि उस दिन आगम का लेखन कार्य पूर्ण हुआ था, प्रारंभ नहीं पूर्ण हुआ था। और आप लोगों को क्या करना है? जिनवाणी को पूर्ण श्रद्धा और विनय से सुनना है, जितना समझ में आए उसमें से चुनना है, और समझ में ना आए तो श्रद्धान करना है। और वो जो पहला भाई था ना, चार भाई में से राई का पहाड़ वाला, वो नहीं बनना है। बाकी तीन भाइयों को जब भी वास्तविक पहाड़ पता चल गया ना, फिर देख लो। तो इस प्रकार से जिनवाणी आगम अथाह है, भव्य जीवो, कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार मत कीजिएगा, कभी भी धर्म को, जिनवाणी को व्यर्थ या फिजूल की बातें नहीं समझिएगा। आप ठीक से यदि थोड़ा सा भी जिनवाणी श्रवण करते हैं, हम कहेंगे कि आप लोग अक्सर कहा करते ना कि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करो या बिल्कुल अज्ञानी रहो, तो हम आपसे कहना चाहेंगे ना तो ज़्यादा के पीछे भागो ना अज्ञानी बनने में विश्वास करो, आप तो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करो लेकिन सही करो। तो इस प्रकार से पूज्य आचार्य भगवंतों का हम सभी भव्य जीवों पर बहुत बहुत उपकार है, परम उपकारी हैं सभी पूर्वाचार्य। उन सभी के चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति समेत त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। आरिका श्री योग्य नंदिनी माता जी की जय। चलिएगा, लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। हरि हम अकारो परिमो बोधो रिपु विश्वा
हकारो नंत वीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम हरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलेगा आँखों को जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातमिना शिविको ज्ञान की प्रकाश शिविको आपा परिभाषिको भानुसी छहो द्रव्य जानविको बंदी विधि भानविको स्वपर पिछानविको परम अनुभवताइविको जीव के जताइविको काहु न सताइविको भव्य जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूक हिजन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार रमोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ समर्पित। लेकिन ध्यान रखना मंत्र संस्कृत में होता है, जब आप बोलेंगे शांति सागर जी तो मुनिंद्राय, क्या बोलेंगे? बिल्कुल साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंते अवस्था मिलती है दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ चढ़ाने को। ओम रुमारम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरोपामिति। सा